अरे दूर से क्या खरीदा, तो टमाटर देखा नहीं कैसे का मोदी जी के बाबू जी खराब हो गया था, तो टमाटर नहीं खरीदी हमने के क्या खरीद तो। अरे दूर से तो खरीदा तो शराब कम देख ले कम से कम, देखना नहीं बहुत महंगा है। अरे महंगा है तो इसका क्या मतलब है, नहीं खाएंगे। बाउंसर इसे लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है, कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था इसलिए यहाँ पे बात विवाद ना हो इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी त्रस्त है मोदी जी के राज में। अभी बढ़ती महंगाई के बीच सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर टमाटर अपनी कीमतों की वजह से ज्यादा लाल हो गया है। देश के कई शहरों में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अलग अलग अंदाज में लोग अपना विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक सपा कार्यकर्ता अजय फौजी और सब्जी विक्रेता ने सरकार का विरोध करने के लिए टमाटर की सुरक्षा में दो बाउंसर लगा दिए। हालांकि नाटकीय ढंग से बाउंसर लगाकर महंगाई के खिलाफ सरकार का विरोध करना सपा कार्यकर्ता अजय फौजी को उस वक्त भारी पड़ गया जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा टमाटर को जेड प्लस सुरक्षा दे लिखते हुए वीडियो के साथ ट्वीट किया। फिर क्या था, अखिलेश के ट्वीट करते ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के खिलाफ महंगाई पर सवाल उठते ही सरकार के नुमाइंदे जाग उठे। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय हो गई और उस सब्जी की उस दुकान पर पहुंचकर सब्जी विक्रेता जग नारायण यादव और उसके बेटे विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम महंगाई का विरोध करने वाले फरार सपा कार्यकर्ता अजय यादव उर्फ अजय फौजी की तलाश में जुट गई है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वाराणसी में महंगाई जैसे जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने वाले सब्जी विक्रेता को थाने में बैठाना कहां तक उचित है। इस समाचार के फैलने से प्रदेश भर के समस्त सब्जी विक्रेता आक्रोशित हो रहे हैं, उस सब्जी वाले को तुरंत छोड़ा जाए। इतना ही नहीं, रात होते होते सब्जी विक्रेता की दुकान की पैमाइश के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की राजस्व टीम भी आधमकी और अवैध निर्माण की जांच करने लगी। हालांकि इस दौरान अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सर क्या मामला रहा ये? अरे सर क्या मतलब क्या मामला रहा, आप इंस्पेक्शन पे आए मौके पर? प्रेस से हम बता तो दीजिए, प्रेस से ही है। प्रेस से है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता जब तक इस पर जांच, मतलब किस तरह का जांच कर रहे हैं बता सकते हैं? आप देख रहे हैं जो ट्वीट हुआ उसी पर जांच हो रही है। अच्छा, टमाटर के भाव को लेकर तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। आपने किस तरह की जांच की, किस मामले में? ये देखना है कि मकान जो का है जहाँ बेच रहे हैं उसे क्या लंबाई चढ़ाई है, लीगल है, इलीगल क्या है, उसे अचानक से ये जो गतिविधि हुई है उसके पीछे जो समाचार आया है वही इस पूरे घटनाक्रम के बाद सब्जी विक्रेता के घर परिवार और आस पड़ोस के लोग सब्जी विक्रेता और उसके गिरफ्तार बेटे को बेकसूर बता रहे हैं और साला षड्यंत्र रचने का आरोप फरार सपा कार्यकर्ता अजय फौजी पर लगा रहे हैं। सब्जी विक्रेता का कहना है कि सपा और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई में उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बता दें कि सपा मुखिया वाराणसी में हो रहे टमाटर पर बवाल मामले में लगातार मुखर रहे हैं। 9 जुलाई के दो ट्वीट के बाद 10 जुलाई को भी उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान ना हो वहां समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेईमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का ये हाल है तो बाकी देश में क्या होगा। वहीं इस घटना के बाद सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ भी जेल भेजे गए। सब्जी विक्रेता के परिवार से मिलने और उन्हें ढांढस बंधाने पहुंचे कि वे अखिलेश यादव का पैगाम लेकर गए और सपा की ओर से उनके परिवार की कानूनी लड़ाई से लेकर हर संभव मदद की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि ये सब कुछ भाजपा सरकार यादव विरोधी नीतियों की वजह से कर रही है, अगर सब्जी विक्रेता यादव ना होता तो ये कार्रवाई भी नहीं हुई होती। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।